Assalamualaikum my dear students, I hope you all are fine. आज हम लोग exercise 2.3 के question number 5 के parts को solve करेंगे. तो चलें start करते हैं. इस question में हमें कहा गया है find m if the roots of the equation satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equals to 4. इस question में हमें m की value find करनी है. अगर इस equation के roots जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ठीक है. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन और इस इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं. इज इक्वल्स टू जीरो हो गया. अब इसमें से हम ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं. ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -7. सी की आ गई 3m-5. ठीक हो गया. अब हम यहाँ लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक हो गया जी. अब इसके अंदर हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. सम हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट है हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a. हम प्रोडक्ट सम निकालते हैं. पहले यहाँ लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b की वैल्यू पुट करते हैं. -7 है, यहाँ भी माइनस है तो ये +7 हो जाएगा और ए की वैल्यू 1 है. तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 7 के बराबर हो जाएगा. अब क्या करते हैं कि इसके अंदर से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी बीटा को हम अलग कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 7-अल्फ़ा और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. ठीक है, अब हम इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सी की वैल्यू डाली जो है 3m-5, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा हमारा क्या आ गया 3m-5. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं. अब हमें जो सेटिस्फाई करने के लिए जो रिलेशन दी गई थी उसको हम नीचे उतार लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें रिलेशन दी गई थी उसे नीचे उतारते हैं. 3α + 2β = 4. ठीक हो गया जी. और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 की जो वैल्यू थी बीटा की उसको हम इसके अंदर पुट करेंगे ताकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकला हमें हासिल हो सके. ठीक है, तो चलें अब हम इसमें क्या करते हैं पुटिंग. द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन नंबर 3. ठीक हो गया जी. अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं. तो 3α + 2β की वैल्यू डालते हैं. 7-α इज इक्वल्स टू 4. अब हम आगे करते हैं तो ये हो जाता है 3α + 14 और -2α इज इक्वल्स टू 4. अब हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं तो 3α में से 2α जब जाएगा तो खाली अल्फ़ा रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा +14 इज इक्वल्स टू 4. अब हम इस 14 को दूसरी तरफ मूव कर देते हैं ताकि क्या होता है हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आए. तो हम अल्फ़ा लिख के 4-14 लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 में से 4 गए तो आ जाता है 10-10 और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम. ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस अल्फा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं ताकि हमें बीटा की वैल्यू हासिल हो सके. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग
द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन वन सॉरी इक्वेशन फोर इन टू इक्वेशन वन. ठीक है, तो इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास, बीटा इज इक्वल्स टू सेवन माइनस अल्फा. ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, सेवन माइनस यहाँ माइनस टेन डाल देते हैं. तो यहाँ पे हम देखें ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सेवन प्लस टेन क्या आ जाएगा, सेवनटीन. और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फाइव का नाम. ठीक है, अब हमें हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों आ गए हैं, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे ताकि हम एम की वैल्यू हासिल कर सकें. ठीक है, तो अब हम लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन टू इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर टू हम यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू थ्री एम माइनस फाइव. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू थी माइनस टेन और बीटा की थी सेवनटीन इज इक्वल्स टू थ्री एम माइनस फाइव हो गया. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 170 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3m माइनस 5. ठीक है, अब हम क्या करते हैं 5 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 170 प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 3m. ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब हम क्या करते हैं इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा जी, माइनस करेंगे तो माइनस 165 इज इक्वल्स टू 3m. तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ ताकि m की वैल्यू आ जाए. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 165 बाय 3 इज इक्वल्स टू 3m बाय 3. ये कैंसिल हो जाएगा, ये 55 आ जाएगा. ठीक है, इसके साथ जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 55 और यही हमारा आंसर है. अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. इसमें हमें कहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री एम माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो सेटिस्फाई द रिलेशन थ्री अल्फा माइनस टू बीटा इज इक्वल्स टू फोर. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन और इस इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री एम माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं. ए की आ गई वैल्यू हमारे पास वन, बी की आ गई सेवन और सी की आ गई थ्री एम माइनस फाइव. ठीक है जी, अब हम यहाँ लिख लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation. ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सम लिख लेते हैं, alpha plus beta is equals to minus b by a और product है alpha beta is equals to c by a. यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम और वैल्यूज़ पुट करते हैं बी की सेवन माइनस साइन के साथ वन, अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस सेवन. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम बीटा लिख लेते हैं इस तरफ और माइनस सेवन और माइनस अल्फा को यहाँ पे बना के इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं. ठीक है जी, अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं. प्रोडक्ट निकाला और उसमें से आ गया हमारे पास c की वैल्यू डाली जो कि है 3m माइनस 5 ओवर a की वैल्यू है 1. तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 3m माइनस 5. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर टू. ठीक हो गया जी,
अब हम क्या करते हैं, जो हमें रिलेशन दी गई थी उसे हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम रिलेशन लिखते हैं जो कि है 3α - 2β = 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब इसके अंदर जो है वो हम बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हम अल्फा की जो वैल्यू है वो हासिल कर सकें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको नीचे उतार लेते हैं, 3α - 2, और बीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं जो कि -7 - α = 4। ठीक हो गया जी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3α और ये हो जाएगा +14, यहाँ +2α = 4। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5α = 4। यहीं रख के 14 को दूसरी जगह शिफ्ट करके हम इसके साथ माइनस कर देंगे, साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5α = इधर क्या आ गया हमारे पास -10। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए 5 से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -2। ठीक हो गया जी, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम। अब क्या करते हैं हम कि इधर अल्फा जो इक्वेशन 4 थी उसे 1 में पुट करते हैं ताकि यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकाल लें। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 1, ठीक है, ताकि हम बीटा की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे हम बीटा लिखते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू क्या था, -7 - α था, यहाँ भी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -5। अल्फा और बीटा दोनों आ गए, ये 5 हो गई इक्वेशन। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं ताकि हमें m की वैल्यू हासिल हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, यहाँ पे उसको नीचे उतार लेते हैं इक्वेशन को, तो ये हो गई अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 3m - 5। अल्फा की क्या थी वैल्यू, -2, और बीटा की क्या थी, -5 इज इक्वल्स टू 3m - 5 आ गया। ठीक हो गया जी, अब क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3m - 5। अब हम क्या करते हैं कि इस 5 को यहाँ लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 + 5, यहाँ रह जाएगा 3m। ठीक हो गया जी, अब हम आगे करते हैं, इधर हो जाएगा 15 = 3m, बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं 3 को ताकि m की वैल्यू आ जाए, तो ये हो जाएगा 15/3 = 3m/3, कैंसिलेशन होगी, 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू जो है वो 5 आ गई, और यही इसका आंसर है। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें कहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β = 18। ठीक है, इसमें भी हमने वही सेम प्रोसीजर करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को नीचे उतार लेते हैं, +7
प्लस टू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं, इसमें से ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। सेवन एम प्लस टू। ठीक हो गया जी, ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट लिख लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम सम लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और बी और ए की वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे है माइनस टू और इधर भी माइनस, तो हो जाएगा पॉजिटिव टू और ए की वैल्यू है थ्री। ठीक है जी, यहाँ पे ये निकल आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीटा लिख लेते हैं और अल्फा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री माइनस अल्फा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर वन। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, सी की वैल्यू डालते हैं सेवन एम प्लस टू, और ए की वैल्यू है हमारे पास थ्री। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करते हैं, अब हम रिलेशन जो सेटिस्फाई करने के लिए रिलेशन दी गई थी उसको नीचे उतारते हैं, जो कि है सेवन अल्फा माइनस थ्री बीटा इज इक्वल्स टू एटीन, और इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर थ्री का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन से बीटा की जो यहाँ पे आई हुई थी इक्वेशन नंबर वन, वो हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल सके। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम इक्वेशन वन इनटू इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक हो गया जी। तो लिख लेते हैं सेवन अल्फा माइनस थ्री, और बीटा की वैल्यू डालते हैं टू बाई थ्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू एटीन। ठीक हो गया जी। अब हम आगे करते हैं सवाल को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एक तरफ तो ये थ्री से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेवन अल्फा माइनस ये थ्री इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा टू, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे थ्री अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस थ्री अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू एटीन, तो सेवन प्लस थ्री हो जाएगा हमारे पास टेन अल्फ़ा, प्लस टू माइनस एटीन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट जी, यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ये वाला। ठीक है, यहाँ पे साइन थोड़ा वो हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी और इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इस ट्वेंटी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ट्वेंटी ओवर टेन ओवर टेन, तो अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास टू। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर का नाम। अब हम क्या करते हैं, इस फोर इक्वेशन को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर वन में, ताकि हमें बीटा की वैल्यू मिले। ठीक हो गया जी। हम यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन फोर इनटू इक्वेशन नंबर वन। तो क्या थी हमारे पास इक्वेशन वन, बीटा इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री माइनस अल्फा डाल देते हैं टू। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू ये 3 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि नीचे 1 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो बीटा हमारे पास क्या निकला, माइनस 4/3। ठीक हो गया जी, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करते हैं हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को जो है वो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं ताकि हमें एम की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो अब चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा की क्या वैल्यू थी 2 और बीटा की थी माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम इस तरह करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 8/3। ठीक है, माइनस 8/3 और इधर आ जाएगा 7m प्लस 2/3। अब इसी को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन आ जाए, माइनस 8/3 और दूसरा क्या था हमारे पास, 7m प्लस 2/3। ठीक हो गया जी, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस 3 को, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2/3 इंटू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2। ठीक हो गया जी, अब हम क्या करते हैं 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7m, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7m। m की वैल्यू निकालने के लिए 7 से बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10/7 और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, अल्लाह हाफिज़।